आज आज जो है हम लोग पाइथागोरस थ्योरम करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पाइथागोरस थ्योरम। देखिए इस पाइथागोरस थ्योरम को समझने से पहले हमको एक और थ्योरम जानना है। अगर उसको जान जाएंगे तो पाइथागोरस थ्योरम आसान हो जाएगा। ठीक है, क्या है वो उसको समझिए। मान लिया जाए एक राइट एंगल ट्रायंगल है कोई, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। ठीक है, जिसका एक कोई कोण 90 डिग्री का होता है वो क्या कहलाता है? राइट ट्रायंगल कहलाता है। तो मान लेते हैं एक राइट ट्रायंगल है, इसका नाम दे दिए कुछ ए बी सी। ठीक है, जो एंगल बी पर ही है 90 डिग्री पर, कहीं भी हो सकता है ना, ऐसा भी हो सकता है। तो जरूरी थोड़ी है कि यही होगा राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल यहाँ पर एक कोण 90 डिग्री का है तो ये भी राइट ट्रायंगल है। वैसे इसका एक यहाँ पर 90 डिग्री है तो ये भी राइट ट्रायंगल है। वो इसलिए बना है कि थोड़ा सा सुविधा होगा देखने में, ठीक लगेगा। ऐसे भी बना के कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए ये एक राइट ट्रायंगल है। राइट ट्रायंगल का जो राइट एंगल बनाने वाला कोण है, बी जहां वर्टेक्स है जहां पर ये राइट ट्रायंगल बन रहा है, इससे इसके सामने जो हाइपोटेनस है 90 डिग्री के सामने का जो साइड होता है वो हाइपोटेनस कहलाता है। ये आप लोगों को मालूम है कि नहीं? 90 डिग्री का जो अपोजिट साइड होता है, अपोजिट साइड होता है वो क्या कहलाता है? हाइपोटेनस। तो यहां से अगर इस हाइपोटेनस पर एक परपेंडिकुलर डाला जाए, एक परपेंडिकुलर मान लो बी बी डी, ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री। ठीक है, अब जरा बताइए अगर मैं इस परपेंडिकुलर को डाल दिया ट्रायंगल एबीसी के बी वर्टेक्स से, इसमें आपको कितने ट्रायंगल नजर आते हैं? नहीं, कितने नजर आते हैं? तीन ट्रायंगल नजर आते हैं। कौन कौन सा ट्रायंगल नजर आता है? तीन ट्रायंगल, एक है ट्रायंगल एबीडी, करेक्ट, एक एबीडी हो गया, एक एबीसी हो गया जो बड़ा वाला है, और एक जो छोटा वाला है वो कौन सा है? बीडीसी हो गया। ठीक है ना, ये तीन ट्रायंगल हमको नजर आ रहा है। ठीक है, एक एबीडी, एबीडी, एक ये वाला जो है वो बी डी सी, और एक हो गया ए बी सी। ठीक है, इसको थोड़ा मैं सोच समझ के उसका नाम लिख रहा हूं, नाम लिखने में थोड़ा सा गड़बड़ ना होना चाहिए। अब जरा देखिए ये जो तीन ट्रायंगल है, ये तीनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं। ये तीनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं, मतलब कि एबीडी जो है वो एबीसी के सिमिलर होगा, बीडीसी भी एबीसी के सिमिलर होगा, और ये दोनों आपस में भी सिमिलर हो जाएंगे। नहीं, सिमिलर का तो सिद्धांत ही है कि भाई कोई चीज अगर एक ही चीज के सिमिलर है तो वो दोनों आपस में भी सिमिलर हो जाएगा। नहीं, ये तो कोई बड़ी भारी बात नहीं है। ये हम लोग जानते हैं कि मान लो तीन लाइन है, ए बी है, बी सी है, सी ए या कुछ भी है, ए बी है, सी डी है, ई एफ है। ठीक है, मान लिया ए बी का लंबाई 5 सेंटीमीटर, ई भी 5 सेंटीमीटर के बराबर है, और ई वाला भी इसके बराबर, ई दोनों भी आपस में बराबर नहीं हो जाएगा। तो वैसे ही सिमिलरिटी का है कि अगर ये दोनों इसके सिमिलर हैं एबीसी के, तो दोनों आपस में भी सिमिलर हो जाएंगे। यही चीज अभी हमको जानना है, और कैसे सिमिलर है वो जानना है। कैसे सिमिलर है तो सिमिलरिटी का सब क्राइटेरिया हम जानते ही हैं, देख लेते हैं कौन से क्राइटेरिया से सिमिलर हो। समझ रहे कि नहीं बात? तो चलिए इसमें हम लोग पहले एबीडी को और एबीसी को सिमिलर करना चाहते हैं। कौन बताएगा ये जो ट्रायंगल ए बी डी है, ये वाला ट्रायंगल है?
इसको जो है मैं एडीबी नाम दे रहा हूँ, एडीबी और एबीसी, इसमें क्या क्या इक्वल है? सिमिलरिटी, सिमिलर होने के लिए जो कंडीशन है, ए सिमिलरिटी होना चाहिए, एस एस होना चाहिए, यही उसका सिमिलरिटी का कंडीशन है ना। तो इसमें देखिए ना कौन सा है, कौन सा एंगल इसका, एडीबी का कौन सा एंगल और एबीसी का, एडीबी का कौन सा एंगल और एबीसी का कौन सा एंगल इक्वल है? एंगल इसका कौन सा एंगल एडीबी होगा, हाँ बोल, एडीबी, चलो एडीबी इक्वल किसके, एबीसी के, क्यों क्यों, इच 90 डिग्री करेक्ट। और दूसरा है एंगल ए किसके बराबर, एंगल ए बराबर एंगल ए, दोनों में है एंगल ए, एंगल ए बराबर एंगल ए, ये कॉमन है, देखिए ना जरा दिख रहा है कि नहीं, नहीं एंगल ए, इस ट्रायंगल का ये जो हम लोग कहे ना ये वाला एडीबी, ठीक है ये वाला हो गया, और एबीसी का मतलब ये पूरा हो गया, तो इसका इसमें भी एंगल ए आ रहा है, इस ट्रायंगल में भी और इस ट्रायंगल में भी एंगल ए आ रहा है, एंगल ए के इक्वल हो गया, और इस ट्रायंगल का ये 90 डिग्री है और इस ट्रायंगल का ये वाला 90 डिग्री है, शुरू में लिखे हैं, तो इसका मतलब ए सिमिलरिटी से सिमिलर हो गए, नहीं समझ रहे बात, तो चलिए ये वाला ए सिमिलरिटी से हो गया, ओके ए सिमिलरिटी से कौन सा किसके हुआ, ट्रायंगल एडीबी सिमिलर हो गया ट्रायंगल एबीसी, कोई दिक्कत इसमें, दिक्कत है नहीं है। अब आइए बीडीसी में और एबीसी में, ट्रायंगल बीडीसी एंड ट्रायंगल एबीसी, इसमें जरा बताइए क्या क्या इक्वल है। बीडीसी का मतलब हो गया ये वाला, ठीक है, और एबीसी का मतलब हो गया ये वाला, कौन 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 सा एंगल का नाम बताइए, एंगल बीडीसी एबीसी 90 डिग्री, चलिए इंच मान लिया, और एंगल सी इक्वल एंगल सी, दोनों में है ना, ये भी ए सिमिलरिटी से हो गया, कोई दिक्कत, ए सिमिलरिटी से ट्रायंगल बीडीसी सिमिलर ट्रायंगल एबीसी, चलिए इसको इक्वेशन दो नाम दे देंगे, इसको इक्वेशन वन नाम दे देंगे। अगर तो पहले तो हमने ये प्रूफ किया कि ई छोटका बड़का के सिमिलर है, ई वाला छोटका बड़का के सिमिलर है, तो जब दोनों छोटका एक को बड़का के सिमिलर है तो दोनों ही छोटका भी आपस में सिमिलर हो जाएगा कि नहीं, एक और दो से देखिए ये ट्रायंगल भी एबीसी के सिमिलर है, ये ट्रायंगल भी एबीसी के सिमिलर है, तो इसलिए क्या हो जाएगा एक और दो से फ्रॉम वन एंड टू, तो ट्रायंगल एडीबी ये भी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल बीडीसी, क्या दिक्कत है इसमें? लेकिन अब इसमें देखिए माइक्रोस्कोप लगा के देखना क्या है वो ध्यान रखिए, ये तो आपको सही तौर पर हो गया सीधा सीधा कि भाई ई ट्रायंगल बड़का के सिमिलर, ये छोटका फिर बड़का के सिमिलर, फिर ये दोनों आपस में सिमिलर, ठीक है बात समझ में आ रही है। लेकिन इसमें जो सबसे गौर करने वाली बात यह है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसका नाम, नाम अगर आप गड़बड़ कर दीजिएगा तो सिमिलरिटी क्या होगा, नाम उसका लिखना कॉरेस्पोंडिंग साइड्स या कॉरेस्पोंडिंग वर्टेक्स या कॉरेस्पोंडिंग एंगल लिखना जरूरी रहता है, ठीक है। अगर मैं यहां पर तीन चीज सिमिलर किया हूं क्या क्या, पहला जरा बताइए, ट्रायंगल एडीबी सिमिलर ट्रायंगल एबीसी किया हूं, ठीक है, नंबर टू में ट्रायंगल बीडीसी सिमिलर ट्रायंगल एबीसी किया हूं, और नंबर थ्री ट्रायंगल एडीबी सिमिलर ट्रायंगल बीडीसी किया हूं, यही ना किया हूं। अगर मैं गलती से यहां पर एडीबी के जगह पर मैं एबीडी लिख दूं, ठीक है,
एडीबी के जगह पर क्या लिख दूं, एबीडी लिख दूं, तो फिर वो एबीसी के सिमिलर नहीं है। समझ रहे हैं बात? क्योंकि उसका कोरेस्पोंडिंग जो एंगल है वो चेंज हो जाए। अगर मैं जरा सोचिए, इसके जगह पर मैं लिख दूं ट्रायंगल एबीडी, देन व्हाट विल हैपन? तब ये किसके सिमिलर होगा? क्या वो एबीसी के सिमिलर होगा? नहीं होगा। कोरेस्पोंडिंग साइड्स के हिसाब से लिखाता है, तो ए के कोरेस्पोंडिंग ए तो है, बी के कोरेस्पोंडिंग यहां पर बी है, बी यहां पर आ गया, तो बी के कोरेस्पोंडिंग इसमें सी है, तो यहां सी लिखाना चाहिए, ठीक है? और डी के कोरेस्पोंडिंग बी है, तो यहां पर बी लिखाना चाहिए। मतलब कि अगर मैं ए बी डी लिख देता हूं तो यहां पर ए सी भी लिखेंगे तब सही होगा। समझ रहे हैं कि नहीं बात? ए बी सी अगर लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। तो हम इसका नाम जो रखते हैं ए बी सी के कोरेस्पोंडिंग, ए बी सी को ध्यान में रखते हैं तो अब इसका नाम लिखते हैं। इसके नाम के हिसाब से इसको नहीं लिख रहे हैं, ए बी सी के नाम के हिसाब से छोटका का नाम लिख रहे हैं। समझ रहे हैं कि नहीं बात? कि भाई पहले डिसाइड कर लिए कि बड़का का नाम क्या है, ए बी सी, ठीक है? अब ए बी सी के सिमिलर ये छोटका में कौन सा होगा? पहला छोटका, तो हम कोरेस्पोंडिंग पर चलेंगे। कोरेस्पोंडिंग क्या कहता है, छोटका का ए और बड़का का ए बराबर है, ए के जगह पर ए, ओके, बड़का का बी और छोटका का एंगल डी, ये इक्वल है, बी के जगह पर डी, ठीक है? अब बाकी जो बच गया बी, एडीबी और एबीसी जो कि यहां पर लिखे हैं, ऐसे ही चलना है दूसरा का छोटका वाला में, उसका भी पहले हम ट्रायंगल एबीसी निर्धारित कर लेंगे, और इसके सिमिलर लिखना है इस वाले का, तो जरा देखिए सी सी के बराबर है ना इसमें, तो सी के जगह पर यहाँ पर सी लिखा गया, ठीक है? और बड़का का ये ए बी सी और इसका बी डी सी ये 90 डिग्री है, तो यहाँ बी के जगह पर क्या लिखेंगे, डी लिखेंगे। और बाकी कौन सा बच गया, बाकी कौन सा बच गया, ना बोल गए बी 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 डी सी ए बी सी बी डी सी बी डी सी ए बी सी समझ रहे कि नहीं बात? ये बहुत मायने रखता है। ये अगर आप इसमें परफेक्ट नहीं है सिमिलरिटी का क्वेश्चन नहीं कर सकते। सिमिलरिटी का क्वेश्चन करने के लिए आपको कोरेस्पोंडिंग नाम उसका होना आना जरूरी है। समझ रहे हैं बात? चलिए, तो इस पर ये जो अभी हमने प्रूफ किया है, इसी पर एक थ्योरम है, छोटा सा थ्योरम, उसको लिख देते हैं। इफ ए परपेंडिकुलर इज ड्रॉन, ये थ्योरम है, इसको आप पढ़ सकते हैं। इफ ए परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल of the right triangle, is per to the hypotenuse, then triangle on both sides of perpendicular are similar to the whole triangle, to the whole, मतलब बड़ा whole triangle and to each other
each other. ठीक है, क्या हुआ, जो चीज मैंने बोला वही चीज लिखा हुआ है क्या, देख लीजिए जरा। एक परपेंडिकुलर को ड्रॉ किया गया फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल का यही ना वर्टेक्स है, इससे ड्रॉ किया गया किस पर, हाइपोटेनस पर। तो इस परपेंडिकुलर के दोनों साइड जो बनने वाले ट्रायंगल हैं, देन ट्रायंगल्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर के दोनों तरफ बनने वाला जो ट्रायंगल है ये क्या है, सिमिलर है होल ट्रायंगल, मतलब ये दोनों बड़ा वाला ट्रायंगल के सिमिलर है और साथ ही साथ दोनों आपस में भी सिमिलर। यही चीज ने पता है, कोई दिक्कत है? रही बात इसके प्रूफ करने का कि आप कैसे प्रूफ करेंगे, यहां पर जो अभी मैंने किया है वही प्रूफ है इसका। जैसे जैसे देखिए यहां पर इसको मैं मिटा देता हूं, यहां से आप लोग पढ़ सकते हैं। इन ट्रायंगल एडीबी एंड ट्रायंगल एबीसी, जो ट्रायंगल बना है एडीबी एंड एबीसी, बड़ा वाला एडीबी एंड एबीसी आप लिख दीजिएगा, एंगल एडीबी इक्वल एंगल एबीसी इच 90 डिग्री, एंगल ए इक्वल एंगल ए कॉमन बाय ए सिमिलर। ए सिमिलरिटी से ट्रायंगल एडीबी सिमिलर हो गया एबीसी के, कोई दिक्कत? ये वाला एक पार्ट हो गया, यहां से एक पार्ट प्रूफ हो गया। चलिए अब हम लोग आते हैं इन ट्रायंगल बीडीसी एंड एबीसी, एंगल बीडीसी बराबर एबीसी 90 डिग्री, एंगल सी इक्वल एंगल सी कॉमन बाय ए सिमिलरिटी, बीडीसी सिमिलर हो गया एबीसी के, और फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 एडीबी सिमिलर। तो हमको तीनों का तीनों प्रूफ हो गया कि नहीं, ये बड़े वाले का, दूसरा वाला भी बड़े वाले का, और दोनों आपस में भी सिमिलर हो गया। तो इसको फटाफट उतार लीजिए फटाक से। इस थ्योरम को लिखे हैं कि नहीं पहले, उसके बाद इसका प्रूफ हो गया। अब आइए हम लोग आते हैं पाइथागोरस थ्योरम पर, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। पाइथागोरस थ्योरम से पहले एक भारतीय भी इंडियन भी मैथमेटिशियन थे, बोधायन साहब, उन्होंने भी इस थ्योरम को दिया था उनसे पहले। लेकिन देखिए कितना मतलब भेद है कि बोधायन का नाम फेमस नहीं हुआ और पाइथागोरस का नाम फेमस हुआ। सेम उन्होंने दिया था, दूसरे तरीके से बोला था उसी थ्योरम, अभी बता देंगे। पहले पाइथागोरस थ्योरम बताते हैं, फिर बोधायन का स्टेटमेंट बताते हैं कि क्या उन्होंने बताया था, दोनों कैसे सेम था। ठीक है, यही है पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो पाइथागोरस थ्योरम कहां लागू हो रहा है, पहले समझ लीजिए, राइट ट्रायंगल में, इन ए राइट ट्रायंगल, पहले लिखा हुआ है ये चालू लागू हो रहा है राइट ट्रायंगल में। स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स। अब इस चीज को जरा यहां पर देखिए, अभी जो हमने फिगर बनाया था ये राइट ट्रायंगल है, बी पर ये राइट एंगल इसका बन रहा है। ठीक है, फिगर दिख रहा है कि नहीं? अब ये एबीसी हमारा राइट ट्रायंगल हो गया। ठीक है, अब आपको इसमें गिवन क्या है वो लिख देना है। तो गिवन क्या है कि एबीसी एक राइट ट्रायंगल है और कुछ नहीं, और कहां पर 90 डिग्री है वो लिख देना है। तो गिवन है ट्रायंगल एबीसी इज अ राइट ट्रायंगल एबीसी इज अ राइट ट्रायंगल राइट एंगल एट बी, राइट एंगल कहां पर है, एट बी, मतलब बी पर हमारा जो है वो राइट एंगल है। ठीक है, प्रूफ क्या करना है देखिए, प्रूफ करना है स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस, इसका हाइपोटेनस कौन सा है, हाइपोटेनस ए
एसी बी के सामने का 90 डिग्री के जो अपोजिट साइड होता है, तो कहता है कि सम ऑफ द स्क्वायर, ये जो स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस मतलब एसी का स्क्वायर, ये इक्वल होगा सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। तो अदर टू साइड ए बी है, एक बी सी है, तो इसके स्क्वायर के सम के बराबर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये हमको प्रूफ करना है। अब आइए जरा इसका प्रूफ देने से पहले, बिल्कुल जो हम लोग पीछे वाला किए हैं ना थ्योरम, उसी पर चलना है। उस थ्योरम में हम लोग क्या किए थे, एक परपेंडिकुलर डाले हुए थे ना, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर डाल देंगे बी डी एसी पर। तो क्या करेंगे कंस्ट्रक्शन में, ड्रॉ बी डी परपेंडिकुलर एसी, ओके। अब आते हैं प्रूफ में, ड्रॉ बी डी परपेंडिकुलर एसी। प्रूफ में आइए, फिर से वही दोनों ट्रायंगल आ रहा है, जरा बताइए इधर वाला जो ट्रायंगल होगा और बड़ा वाला ट्रायंगल होगा, उस दोनों को हमको सिमिलर करना है। इस ट्रायंगल का क्या नाम पढ़ेंगे, इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, ए बी सी के हिसाब से इसका नाम लिखा गया है, ठीक है, एबीसी के हिसाब से इसका नाम होगा एडीबी। जरा बता दीजिए पहले वाला कैसे कैसे हम लोग प्रूफ किए थे, ये दोनों सिमिलर है, एंगल एंगल एडीबी इक्वल एंगल एबीसी, कारण क्या दिए थे, इच 90 डिग्री, एंगल ए इक्वल एंगल ए, ये कॉमन है, ठीक है, therefore triangle ADB similar triangle ABC, और यहां पर लिख सकते हैं by AA similarity, या ऊपर भी लिख सकते थे, क्या कोई दिक्कत है AA similarity से। अब जरा बताइए अगर ये दोनों सिमिलर हो गया तो इसके कोरस्पोंडिंग साइड्स क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। अब देखिए कोरस्पोंडिंग साइड कैसे लेंगे, प्रोपोर्शनल करेंगे, हमको मालूम है इसमें क्या क्या हो सकता है, एडी अपॉन क्या हो सकता है, ए बी, बी बी अपॉन बी सी, और ए बी अपॉन ए सी, ये तीनों होगा, लेकिन हमको जरूरत है दो ही का। तो अब सवाल ये है, बच्चा सोचेगा इसमें से कौन सा दो बोले, कोई सा भी, कौन सा दो ले, उसके दिमाग में उसके जहन में आएगा नहीं ये चीज कि कैसे हम इसमें से कौन सा दो ले, भाई होता तो तीनों है, तो कौन सा दो ले, आपको एक तरीका बता देते हैं, बहुत आसान है। यहां पर देखिए ए बी स्क्वायर आना है, ओके, तो जिससे जिसके क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में ए बी स्क्वायर आ जाए बस वही दोनों लेना है। तो जरा देखिए ना, यहाँ ए डी बाई ए बी और यहाँ है ए बी बाई ए सी, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में आ रहा है ना ए बी स्क्वायर, तो इसका मतलब इस दोनों को लेना है, इसको हटा देना है, जरूरत नहीं है इसका। चल भाई तो मैं इसको हटा दिया, समझ रहे हैं बात, ए बी बाई ए सी सिर्फ लिखा, ए डी बाई ए बी इक्वल ए डी बाई ए बी इक्वल ए बी बाई ए सी, ओके, समझ में आ गई बात। अब इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा तिरछा गुना कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ए बी स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, ए डी इंटू ए सी, इसको इक्वेशन वन नाम दे करके छोड़ देंगे, क्या कोई दिक्कत है, ए बी स्क्वायर इक्वल ए डी इंटू ए सी, ये हमने मल्टीप्लाई करके इसको छोड़ दिया। अब आइए दूसरा ट्रायंगल में आइए, दूसरा ट्रायंगल का नाम क्या लेना है भाई, एबीसी पहले लिख दें, हाँ बोलो एबीसी के हिसाब से, एबीसी होगा तो दूसरे वाले का नाम क्या होगा, बी डी सी होगा, तो इन ट्रायंगल बी डी सी एंड ट्रायंगल एबीसी, जरा बता दीजिए क्या क्या इक्वल है, एंगल बी डी सी इक्वल एंगल एबीसी,
इच 90 डिग्री एंगल सी इक्वल एंगल सी, देख रहे हैं सी सिंबल अपना जगह पर है ठीक है भाई, ए सिमिलरिटी ट्रायंगल बी डी सी सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी, इक्वेशन टू यहां पर लिख देते हैं भाई ए सिमिलरिटी, ये आप लोग पूरा लिख लीजिएगा ठीक है हो गया। अब इसमें भी कोरस्पोंडिंग साइड्स हमको प्रोपोर्शनल करना है, तो अब आपको ध्यान में क्या रखना है मालूम है, बीसी स्क्वायर आना चाहिए, तो बीसी दोनों में क्या बीसी ले लेना है दोनों में का, इस ऐसे ही समझ में आ जाएगा। तो देखिए जरा इसका अगर बीसी होगा तो इसका क्या होगा एसी होगा, मतलब बीसी बाई एसी इक्वल इसमें का बीसी होगा तो इसमें क्या होगा डीसी होगा, डीसी बाई डीसी, दिक्कत है कोई दिक्कत है, इसमें से एक बार बीसी लिए तो बीसी के कोरस्पोंडिंग लिख दिए एसी, इसमें का बीसी लेंगे तो उसका कोरस्पोंडिंग बीसी है तो डीसी बाय बीसी साइड कोई लिखते हैं, हां मतलब लाना है वो लिखेंगे, हां अब देखिए जरा इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा बीसी स्क्वायर इक्वल एसी इनटू डीसी, इक्वेशन इसको इक्वेशन नहीं देना, हाँ इसको यहाँ पर नहीं देना है यहाँ देना है ठीक है, ये हो गया दो नंबर ओके। बीसी स्क्वायर इक्वल एसी इंटू डीसी, यहां तक में कोई दिक्कत है, हाँ बोलो कौन सा बोलो AD by AB equal AB by AC कैसे लिखे हैं? Corresponding sides proportional होगा ना? Corresponding sides proportional लिखने आता है कि नहीं? हाँ? आता है। तो फिर क्या दिक्कत है? DB by BC कहाँ हटा दिया? हमको दोनों को क्या जरूरत है? तो वही यही दिन हमने कहा था, ये जो एक DB by BC है ना? इसमें भी तीन को होगा, इसमें भी देखिए बीसी है डीसी है, एक और हो सकता है बीडी बाई एबी, ये भी हो सकता है, समझ रहे हैं बात, लेकिन हमने क्या किया है कि कहा है कि हमको जरूरत दो ही का है, तीसरका ना लिखेंगे तो कोई तीनों तो आपस में इक्वल ही है ना, तो वो तीसरका कौन सा नहीं लिखना है उसको कैसे जानेंगे, तो वो मैंने कहा था कि जिसमें एबी एबी आता हो उसी को लिखना है, समझ रहे हैं बात, इस वाले में जिसमें बीसी बीसी आता हो वही लिखना है, इसमें ऊपर बीसी इसमें नीचे बीसी, इसमें नीचे ए भी उसमें ऊपर ए भी, ऊपर या नीचे उससे हमको मतलब नहीं है ठीक है, लेकिन ए भी जिसमें आएगा वो लिखना है और इसमें जिसमें बीसी बीसी आएगा वो लिखना है, कोरस्पोंडिंग साइड्स तो तीनों होंगे प्रोपोर्शनल लेकिन हमको दो ही को लिखना है, कौन से दो को लिखना है इसमें जिसमें ए भी आता हो और इसमें कौन से दो को लिखना है जिसमें बीसी बीसी आता हो, क्योंकि यहां पर हमको इसको ध्यान रखना है, अभी तो एसी स्क्वायर बीसी स्क्वायर बनता है, समझ रहे हैं कि नहीं बात, इसीलिए मैंने यहां पर इसको नहीं लिखा है डी डी वाई ए बी को और यहां पर हमने डी डी वाई बीसी को नहीं लिखा, ओके समझ में आ गई बात। अब इक्वेशन वन और टू को एड कर देना है, एडिंग इक्वेशन वन एंड टू, चलिए इधर ही लिख रहा हूं, एडिंग इक्वेशन वन एंड टू, चलिए जरा बताइए ऐड करेंगे तो क्या कैसे ऐड करेंगे, तो इक्वेशन को ऐड कैसे किया जाता है, लेफ्ट लेफ्ट को ऐड किया जाता है, राइट राइट को ऐड किया जाता है, तो यहां पर लेफ्ट को ऐड करेंगे इसका ए बी स्क्वायर और इसका बी सी स्क्वायर ऐड हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हो गया इक्वल, इसका राइट राइट ऐड होगा, राइट में है एडी इंटू ए सी, एडी इंटू ए सी प्लस ए सी इंटू डी सी, यही ना हो जाएगा। अब जरा देखिए इस दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, ए सी कॉमन दिख रहा है, इसमें क्या बचेगा एडी प्लस डी सी,
अब एडी प्लस डीसी यहां पर आएंगे, फिगर को देखिए, एडी प्लस डीसी इस दोनों को अगर ऐड कर दे, जोड़ दे, मिला दे, तो कौन सा साइड बन रहा है? एसी बन रहा है। तो इस दोनों के जगह पर क्या लिख सकते हैं? एसी, एसी इंटू एसी, दैट इज एसी स्क्वायर। ठीक है, तो एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर इक्वल एसी स्क्वायर। तो हमको ये लेफ्ट में है, राइट में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरा का पूरा इधर लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा? एसी स्क्वायर इक्वल एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। ये हमारा प्रूफ हो गया, समझ रहे हैं बात? यही है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम में मेन चीज क्या था? दो अलग अलग ट्रायंगल को, छोटा 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 ट्रायंगल को बड़े वाले के सिमिलर प्रूफ करना है, फिर उसका क्या करना है? कोरेस्पोंडिंग साइड्स लिखना है, ए बी स्क्वायर का वैल्यू निकाल लेना है। इसमें भी ऐसे ही करना है, बी सी स्क्वायर का वैल्यू निकाल देना है, दोनों को ऐड कर देना है, पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ हो जाता है। ठीक है, चलिए इसको जल्दी जल्दी अपना काम खत्म कर लीजिए। इसके बाद बताते हैं, इसी को पाइथागोरस थ्योरम को ही बोधायन थ्योरम भी कहते हैं। बोधायन भारतीय मैथमेटिशियन थे, क्यों? और उनका स्टेटमेंट क्या था, और उनका स्टेटमेंट इससे कैसे मिलता जुलता है, वो अभी बताते हैं आप लोगों को। जल्दी से इसको थोड़ा सा उतार दीजिए। देखिए, अभी मैंने इसका फिगर छोड़ दिया है। ठीक है, अब जरा बोधायन साहब का परमेय देखिए, मैं लिख रहा हूं उसका, उनका थ्योरम कैसा है। द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल बोधायन थ्योरम क्या था? BAUDHAYAN बोधायन, बोधायन थ्योरम लगभग ये 800 BCE में थे, और ये वाले जो थे पाइथागोरस जी थे वो 479 BCE में थे। बताइए, उनसे 400 साल पहले थे लगभग, मोटा मोटी, है ना? उन्होंने लिखा, तो डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल produced by itself produced by itself the same area as produced by its both sides, as produced by its both sides, ये है बहुत हैंड थ्योरम। ठीक है, डिफरेंस लग रहा, अरे वो तो ट्रायंगल में बताए हुए थे, ये तो रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं, दोनों अलग अलग होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल अलग अलग नहीं, बिल्कुल सेम बात। ठीक है, कैसे सेम है इसको जरा समझते हैं। बोथ साइड्स मतलब क्या? कौन सा दो साइड होता है? लेंथ एंड ब्रेथ, दैट इज लेंथ एंड ब्रेथ। जरा सोचिए, डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल कहे हैं, एक रेक्टेंगल ऐसा होता है, रेक्टेंगल, ठीक है, कुछ भी नाम दे सकते हैं रेक्टेंगल का, एबीसीडी। उन्होंने क्या कहा कि इसका जो रेक्टेंगल का डायगोनल है, कोई सा भी एक डायगोनल बना लीजिए, एसी बना लीजिए या बीडी बना लीजिए, क्योंकि इसका दोनों डायगोनल सेम होता है, डायगोनल का लेंथ सेम होता है, बीडी हो या एसी हो। तो क्या कहता है कि एसी के द्वारा जो जो प्रोड्यूस किया जाएगा एरिया,
The diagonal of a rectangle produced by itself the same area as produced by its both sides. मतलब इसके द्वारा जो एरिया प्रोड्यूस होगा कैसे एरिया प्रोड्यूस होगा, मतलब जो डायगोनल का लेंथ है ना एसी, उसी एसी के लेंथ के बराबर, एसी के लेंथ के बराबर अगर हम एक स्क्वायर बना दें तो इसका जो एरिया होगा, ये देखिए इधर भी एसी का लंबाई है, मान लेते हैं इसका लंबाई एक्स है, वाई है, इसका पी है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो इसका क्या मतलब कि ये वाला भी पी, ये वाला भी पी, समझ रहे हैं कि नहीं बात, इसके डायगोनल का जो दिया हुआ है, ओके डायगोनल जो इसका दिया हुआ है उसके लंबाई के बराबर अगर हम एक एरिया बना दें, स्क्वायर बना दें, ठीक है, और इसका जो एरिया होगा, इसका जो दिख रहे हैं क्या, इसको लेंथ जो कर रहे हैं, लेंथ के बराबर एक बना देंगे उसका एरिया, दैट इज एक्स, एक्स इसका एरिया, और दूसरा जो वाई है इसका एरिया, समझ रहे हैं बात, वाई वाई इस दोनों के सम के बराबर इसका एरिया हो, वो यही तो कह रहे हैं। इसका जो एरिया होगा, जो डायगोनल के द्वारा बनाया गया एरिया है, वो इसके लेंथ के द्वारा बनाया गया स्क्वायर या एरिया, और इसके ब्रिथ के द्वारा बनाया गया स्क्वायर या एरिया, स्क्वायर का एरिया, ये उसके सम के बराबर होगा। अब जरा बताइए ना, इसका एरिया क्या होगा, बी स्क्वायर होगा, इसका एरिया क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा, इसका एरिया क्या होगा, वाई स्क्वायर होगा, तो इसका मतलब क्या हो गया कि भैया पी स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही ना होगा, यही होगा कि नहीं होगा, इसका मतलब यही हुआ। तो अब जरा बताइए, यहां पर आपको एक राइट एंगल दिख रहा है, ये वाला राइट एंगल है, राइट एंगल में पी कती है, हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर है कि नहीं, उन्होंने इस चीज को एरिया के रूप में बताया था, इसके डायगोनल से जो एरिया फॉर्म होगा वो इसके लेंथ से जो एरिया फॉर्म होगा और जो इसके ब्रिथ से एरिया फॉर्म होगा उस दोनों के सम के बराबर। अब जरा बताइए, इस थ्योरम में और इस थ्योरम में कोई अंतर है, कोई अंतर नहीं है, इसको बोधान साहब ने ऐसे दिया, लेकिन इंडिया क्या उसको बोलते हैं, इंडिया गुलाम था अंग्रेज का, तो ये आगे नहीं बढ़ पाए, समझ लीजिए ये लोगों ने अपना नाम पूरा फैला लिया, पूरा देश विदेश में तो इस चीज को पाइथागोरस के नाम से खूब फेमस कर दिया, लेकिन बोधान साहब का नाम डुबा दिया, लेकिन हम लोग को बोधान साहब का भी नाम याद रखना है, ठीक है ना, कोई जरूरी नहीं कि पाइथागोरस थ्योरम कहेगा तभी ये प्रूफ करेंगे, अगर कहेगा कि प्रूफ पाइथागोरस थ्योरम बोधान थ्योरम, तो भाई बोधान थ्योरम ये है और बिल्कुल ऐसे ही इसको हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हैं कि नहीं बात, क्योंकि सेम चीज है वो, ओके। तो इसमें अगर बोधान थ्योरम में और पाइथागोरस थ्योरम में एक जैसा है ये समझने में क्या किसी को दिक्कत है, कि है नहीं है, चलिए वही मैं कहा हूं कि ये बता देते हैं। अब इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे ठीक है, क्या पढ़ेंगे, तो इस थ्योरम को अगर आप लोग चाहें लिखना समझने के लिए तो अपना लिख लीजिए, समझ लीजिए, लेकिन अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे, लेट हो रहा है, क्या पढ़ेंगे, कन्वर्स ऑफ आप लोगों को एक बात बताए थे कि कन्वर्स किसको कहते हैं, कन्वर्स किसको कहते हैं, सुन लीजिए, कन्वर्स में हम थेल्स थ्योरम का कन्वर्स बताए थे, तो कन्वर्स कब हो जाता है, एक का जो गिवन होता है और दूसरे का टू प्रूफ होता है, गिवन और प्रूफ हम लोग लिखते हैं ना, कि क्या गिवन है और क्या प्रूफ करना है, समझ रहे हैं कि नहीं, तो क्या गिवन है और क्या प्रूफ करना है, तो गिवन को लिखते हैं और टू प्रूफ में लिखते हैं, हाँ, तो इस वाले में गिवन क्या था कि भाई एक राइट ट्रायंगल है जो बी पर 90 डिग्री है, इसमें प्रूफ क्या करना था कि ए सी स्क्वायर इक्वल ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर का, ये था ना। अब इसके जस्ट उल्टा अगर कर देंगे, इसका जो टू प्रूव है
वो गिवन में चला जाएगा और गिवन वाला टू प्रूफ में चला जाएगा तो वो कन्वर्स हो जाएगा। मतलब कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम जब करेंगे तो हमको गिवन रहेगा ए सी स्क्वायर इक्वल ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो हमको प्रूफ करना पड़ेगा कि एंगल बी 90 डिग्री। समझ रहे कि नहीं बात? यही है कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। इस पर हम लोग कल चर्चा करेंगे। आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन।